मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने ही दुनिया को वैज्ञानिक दिए हैं। कोविड के समय भी हमने दुनिया को 200 करोड़ के वैक्सीन डोज दिए थे। उन्होंने कहा, भारत में आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया के विज्ञान से पहचान कराई। भारत सभी क्षेत्रों में आगे है। 8वें साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत हजारों वर्ष पहले ही आगे बढ़ चुका है। कोविड के समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत दुनिया को 200 करोड़ वैक्सीन के डोज देगा। एक समय था जब भारत अपने उपग्रह दूसरे देशों में लॉन्च करता था, लेकिन अब दुनिया के उपग्रह भारत से लॉन्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत ने स्टार्टअप की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और भारत स्टार्टअप मामले में तीसरे नंबर पर है। भारत योग आध्यात्म के सभी क्षेत्रों में आगे है। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि गैलीलियो और कॉपरनिकस से 500 वर्ष पहले ही आर्यभट्ट और उसके बाद वारामिहिर ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। भास्कराचार्य ने न्यूटन से सदियों पहले ही साबित किया था कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को एक विशेष शक्ति के साथ अपनी ओर आकर्षित करती है। चौहान ने कहा, व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप कुछ सोचोगे ही नहीं तो मुंह पर बैठी मक्खी को भी उड़ाने के लिए किसी और को आना होगा। ये कोई ये ना सोचे कि विज्ञान हमने कोई पश्चिम से लिया है। पश्चिम तो बहुत बाद में है, पश्चिम तो बहुत बाद में प्रकाश में आया। गैलीलियो और कोपरनिकस से बहुत पहले 500 बरस पहले आर्यभट्ट ने और उनके बाद वारामिहिर ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। ये नवग्रह कोई हमारे लिए नए क्या? ब्रह्मा, मुरारी, त्रिप्रांतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतो, बुधश्च, गुरुश्च, शुक्रा, शनि, राहु, केतुवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। कब से हम नवग्रहों के बारे में हमारे ऋषि जानते, हमारे महर्षि जानते। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि उसका समर्थन करते हैं। जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहां से आध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, सचमुच में भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। इसलिए आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जो सच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, आज दावे के साथ कहता हूं, भारत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, भारत का सोच वैज्ञानिक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि उसका समर्थन करते हैं। जब विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज व माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार 22 जनवरी 2023 को NCL ग्राउंड बिजौली बैडन में होगा। विनीत रामलल्लू वैश, विधायक सिंगरौली। आठ साल रहे बेमिसाल, बदले हालात, सुलझे सवाल, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। जिस मिट्टी को छुआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई, सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई। जनता ने जो चाहा वो करके तुमने दिखलाया, 370 हटा के भारत माँ का मान बढ़ाया। जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का
सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।